हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैबिट्स किचन। हियर इज पंकज लाथिया। आज हम सूजी के गोलगप्पे बनाने वाले हैं। काफ़ी मज़ेदार और आसान रेसिपी है, आप घर पे जरूर ट्राई करना मेरी पूरी रेसिपी देखने के बाद। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज जाके कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कटोरी सूजी लूंगा। इस एक कटोरी सूजी से लगभग 25-30 गोलगप्पे बन जाएंगे। उसमें एक स्पून बेकिंग पाउडर डालूंगा, दो स्पून मैं उसमें ऑयल डालूंगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको ऑयल को। एक टाइम पे ही होल्ड हो सके उतना ऑयल डालना है आपको और अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूसरा, मैं गुनगुना पानी लिया हुआ है वो डालूंगा आपको। ठंडा पानी नहीं डालना है, चिल्ड पानी नहीं डालना है, गुनगुना पानी डालना है। आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है क्योंकि सूजी पानी को सोख लेती है। अच्छे से गूंद लेना है आपको। गूंदने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी वाला रखा हुआ मैंने। आपको 30 मिनट के लिए इसको छोड़ना है कि अच्छी तरह सूजी पानी को सोख ले। दूसरी तरफ मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगा। मैंने मिंट लीव, ग्रीन चिली और गार्लिक लिया हुआ है और नमक लिया हुआ है। इसको मैं ग्राइंड करूंगा। गार्लिक ऑप्शन में आपकी मर्जी, डालना कि नहीं डालना। अच्छे से पीस लूंगा और उसकी चटनी बना लूंगा। एकदम स्पाइसी चटनी है ये। और अभी मीठी चटनी बनानी है हमें। मैंने इमली का पानी लिया हुआ है, उसमें मैं 3 स्पून शुगर पाउडर डालूंगा। अच्छे से मिक्स कर लूंगा, एकदम मीठी करनी है हमें। उसके बाद इसको कलर आने के लिए मैं इसमें फूड कलर डालूंगा, अच्छा दिखेगा। हमारे दोनों चटनियाँ रेडी हो चुकी हुई हैं। अभी हमारे 30 मिनट हो चुके हैं, हम अभी अपना डो को देखेंगे। मैं इसको बाहर निकाल लूँगा और अच्छे से मसलूंगा इसको, अच्छे से मसलूंगा, पटकूंगा इसको। आपको लगभग 1-2 मिनट के लिए आपको ऐसे करते रहना है, अच्छे गोलगप्पे बनेंगे। फिर एकदम मसलना है अच्छी तरह से। काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका हुआ है। अभी मैं इसके दो हिस्से करूंगा और छोटी छोटी लोई बनाऊंगा इसकी। मेरी लोई रेडी हो चुकी है। अभी मैं एक लोई लूंगा, उसको प्रेस करूंगा और उसको पेल लूंगा। आपको मीडियम साइज में पेलने, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा पतला। कुछ इस तरह मैंने डेढ़ सारी अपने पेल लिए हुए हैं रोटियां। और अभी गरम गरम मैंने तेल कर लिया हुआ है, आपको गरम गरम ऑयल में डालना है, इसलिए फूलेंगे। कुछ अच्छी तरह से फूल जाएंगी, कुछ अच्छी तरह से नहीं फूलेंगी। मैं अभी अपने सारे गोलगप्पे फ्राई कर लूंगा और सारा तेल सूख लिया हुआ है और काफी अच्छे लग रहे हैं, अच्छे तरीके से बन गए हुए हैं। और कुछ अच्छे तरीके से नहीं बने हैं, उनकी मैं चाट पापड़ी बना लूंगा, इनके मैं गोलगप्पे बना लूंगा। मेरा सारा सामान रेडी हो चुका हुआ है। मैंने आलू भुजिया लिया हुआ है, चने भिगो के रखे हुए थे, मैंने आलू बॉयल आलू लिए हुए हैं और ओनियन काट के लिए हुआ, ऊपर चाट मसाला रखा हुआ है। ये हमारी रेड मीठी चटनी।
दही लिया हुआ मैंने नॉर्मल, और हमारी ग्रीन चटनी। अभी आपको प्लेट को सजाना है और आराम से खाना है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। आप घर पे जरूर ट्राई करना, काफ़ी आसान रेसिपी है, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लव यू ऑल, जय हिंद।